हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स दी ओनली चैनल वे यू गेट 100 परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन दिस इज सलोनी पांडे योर साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे एंड आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ब्रीफ में अबाउट डिवाइडेड अटेंशन वट इज डिड अटेंशन ये हम जानेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में सो चैप्टर नंबर फाइव से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके चुके हैं आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी डाउट सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अटेंशनल प्रोसेसेस जिसके अंदर हमने सिलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन की बात करी अब इसी के साथ में आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं वॉट इज डिवाइडेड अटेंशन तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अटेंशन इज समथिंग जहां पर आप ढेर सारे अपने एक्सटर्नल या इंटरनल वर्ल्ड में प्रेजेंट स्टिमुलस में से किसी सर्टेन स्टिमली के ऊपर जो है फोकस करते हो या उसको ही उसी के ऊपर अटेंशन पे करते हो दैट इज योर अटेंशन उसके ऊपर फोकस करते हो दैट इज योर अटेंशन सिलेक्टिव अटेंशन इज समथिंग जहां पर बहुत सारे स्टिमुलस में से आप किसी पर्टिकुलर इवेंट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और उसके ऊपर अटेंशन पे करते हो सस्टेन्ड अटेंशन इज रिलेटेड

अटेंशन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी फेयर में थे किसी मेले में थे जहाँ पर बहुत सारे झूले भी थे बहुत सारे लोग थे बहुत सारे खाने के भी आइटम्स थे बहुत सारी चीज़ें थी और उसमें से जस्ट सपोज आपको अपना कोई फ्रेंड दिख जाता है तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो और जस्ट अपने फ्रेंड से मिलते हो उससे बातें करते हो और उसके साथ में जो है आ, मतलब एक तरीके से आपको बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में आप थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते हो और बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हो सो दैट इज़ योर अटेंशन ठीक है इन इन वेरी 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 सिंपल टर्म्स ना इफ वी टॉक अबाउट डिवाइडेड अटेंशन सो समटाइम्स वी कैन ऑल्सो अटेंड टू टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम एंड वेन दिस हैपन्स इट इज़ कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन अब देखो वैसे तो हम एक टाइम पर एक ही चीज़ पर अटेंशन कर सकते हैं बट कभी कभी कुछ रेयर uh, सरकमस्टेंसेस में हम जो है मतलब समटाइम्स हम जो है दो चीजों के ऊपर भी अटेंशन पे कर सकते हैं जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में जो है बहुत बार डिवाइडेड अटेंशन करते हैं और एक साथ में अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये था कि आप एक टाइम पे किसी एक ही चीज पर अटेंशन पे कर सकते हो फिर आप दूसरे टाइम पे दूसरी चीज पर अटेंशन पे करोगे बट डिवाइडेड दि अटेंशन इज समथिंग जहां पर आप एक ही टाइम पर दो चीजों के ऊपर अटेंशन पे कर सकते हो सो so, ये कैसे होता है आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा जब भी आप कभी गाड़ी से कहीं जा रहे होंगे तो जो भी पर्सन ड्राइव कर रहा होता है अगर उसके साइड में उसका कोई फ्रेंड बैठा है या कोई फैमिली मेंबर बैठा है या सपोज आप ही में आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप हो और आपका कोई फ्रेंड है आप दोनों कहीं घूमने जा रहे हो ठीक है आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है अब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप दोनों आपस में बातें भी करते रहोगे है ना आपका ध्यान गाड़ी चलाने पर तो होगा ही बट साथ ही साथ में आपका फ्रेंड क्या चीज कह रहा है आप उसके ऊपर भी ध्यान दे लोगे कभी मान लो आप अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे बट उसी टाइम पे किसी का फोन आ गया तो आप फोन भी अटेंड कर लोगे फोन पे बात करते रहोगे और गाड़ी भी ड्राइव करते हुए रहोगे आसपास में जितनी भी चीजें होंगी आपका ध्यान उस पर भी होगा और आपका ध्यान फोन पर भी होगा है ना ये चीज होती है ना कभी कभी और इवन हमारी डे टू डे लाइफ में ही होती है सो इफ वी वॉच देम क्लोजली वी विल नोटिस दैट दे आर स्टिल एलोकेटिंग मोर एफर्ट टू ड्राइविंग रादर देन टू अदर एक्टिविटीज इवन दो सम अटेंशन इज गिवन टू अदर एक्टिविटीज अब यहां पर एक चीज है क्या है कि जब हम फोकस करेंगे इस पूरी एक एक्टिविटी को तो हम ये देखेंगे कि हमारा ज्यादा ध्यान किस एक चीज पर है ऑब्वियसली गाड़ी चलाने पर लेकिन इसके साथ साथ में हम थोड़ा बहुत ध्यान अपने फ्रेंड की बात पे या मोबाइल फोन में हम जैसे भी बात कर रहे हैं उसके ऊपर दे पा रहे हैं तो आपका ज्यादा जो एक अटेंशन है वो किसके ऊपर है अपनी गाड़ी चलाने पे और सेकंड आप थोड़ा बहुत अटेंशन किस एक चीज को दे पा रहे हो जो आपका फ्रेंड बातें कर रहा है या फिर आप जिससे भी फोन पे बात कर रहे हो उस एक चीज को तो मतलब आप एक साथ दो चीजों के ऊपर अटेंशन दे पा रहे हो दैट इज कॉल्ड एज योर डिवाइडेड अटेंशन एंड इट इंडिकेट्स दैट ऑन सर्टेन ओकेशन अटेंशन कैन बी एलोकेटेड टू मोर देन वन थिंग एट द सेम टाइम तो ये एक चीज बताता है कि कुछ ओकेशन में हम दो चीजों पर भी अटेंशन पे कर सकते हैं बट स्टिल हमारा एक चीज पर अटेंशन ज्यादा होता है देन दूसरी चीज पर आया समझ में बहुत बार आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब खाना बनाती होंगी या आपके पापा खाना बनाते होंगे तो बनाते बनाते वो अक्सर फोन पे भी बात कर लेते होंगे या बहुत बार जो है आ, साथ ही साथ में मतलब आपसे भी बातें करते रहते होंगे सो दैट इज जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मेन तो उनका फोकस खाना बनाने पर ही है बट वो थोड़ी बहुत आपकी बात भी सुन लेते हैं सो दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन आ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते ईयरफोन्स प्लग इन कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं तो इस एक चीज़ में मैं ज़रूर कहूंगी कि हमारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि सॉन्ग्स पर होता है बहुत बार हम लोग पढ़ते समय ऐसा करते हैं कि ईयरफोन्स लगा लेते हैं और पढ़ाई करने लग जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं बट एग्जैक्टली वो पढ़ाई हो नहीं रही होती है वो पढ़ाई में तो हमारा थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा होता है ज़्यादा ध्यान हमारा म्यूज़िक के ऊपर होता है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शायद म्यूज़िक का जो मतलब ध्यान है वो कम करके अपनी पढ़ाई फोकस कर पाते होंगे सो दैट आल्सो कम्स अंडर योर डिवाइडेड अटेंशन हाउ एवर दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली विथ हाईली प्रेक्टिस एक्टिविटीज ये एक चीज तभी पॉसिबल है जब आप किसी चीज को लेके बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस्ड हो मतलब ये कि आपको जब गाड़ी चलाना बिल्कुल परफेक्टली आता होगा तभी आप गाड़ी चलाते चलाते किसी से बात कर सकते हो अगर नहीं आता होगा तो आप उसको बोलोगे भाई अभी तो दो मिनट शांत रहे पहले मैं अपनी गाड़ी चला लेता हूं क्योंकि अभी मेरा फुल इस वाली एक्टिविटी के ऊपर है और अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो तो फिर आप इजिली जो है दोनों काम साथ साथ में कर सकते हो नहीं तो कभी कभी कैसा होता है कि आपका ध्यान जो है वो दोनों में से किसी एक चीज पर जाता है और दूसरी चीज पर नहीं जाता तो वो आप जो है अटेंशन वाली ही सिचुएशन पर आ जाते हो फिर वो डिवाइडेड अटेंशन नहीं होता क्लियर है ये भी आगे यहां तक समझ में अब जो आपका ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या होते हैं ए ट ऑकर्स विदाउट इंटेंशन इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली इट इन्वॉल्व वेरी लिटिल थाट प्रोसेस वी कैन रीड वर्ड्स और टायर्स शूलेस विदाउट गिविंग एनी थॉट टू दीज एक्टिविटीज अब ये जो ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग हो रही है जहाँ पर आप एक साथ दो चीजों के ऊपर अटेंशन पे कर पा रहे हो ये दो मतलब इसके होने के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक तो पहला ये कि इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और फिर आप बात भी कर रहे हो तो उसमें किसी तरीके का कोई इंटेंशन है जस्ट आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में ये चीजें नॉर्मली होती हैं जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि बहुत कम थॉट प्रोसेस के साथ में आप ये चीज़ कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने शू लेस टाई करते करते आ, किसी वर्ड को रीड कर सकते हो किसी से बात भी कर सकते हो है ना साथ ही साथ में ये अनकॉन्शियसली होता है मतलब आप बहुत ही अवेयर नहीं होते इन चीज़ों को लेके दैट जस्ट आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में ये चीज़ें होती हैं नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ें आपकी होती रहती हैं तो दैट कम्स अंडर योर डिवाइडेड अटेंशन क्लियर है आई ये यहाँ तक समझ में आई होप सो डिवाइडेड अटेंशन जो हमने समझा उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा जस्ट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर दिया गया था सो so वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है आई होप सो समझ में आ गया होगा सो so, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि स्पैन ऑफ अटेंशन अटेंशन क्या होता है और एक से रिलेटेड डिसऑर्डर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आई होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट विन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है तो जैसे कि आप सभी जानते हो आपको सभी लेक्चर्स डेली यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाते हैं साथ ही साथ में आप मैगनेट विन्स का ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अब इसके बाद में आपको चाहिए कि आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और

उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज आएंगे स्क्रॉल करोगे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे सभी के नीचे वॉचनाओ का बटन है अब जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया ये आगे चैप्टर वाइज वीडियो चैप्टर पे क्लिक किया ये सारे सब टॉपिक्स आ गए और यहाँ भी सभी के आगे वॉचनाओ का बटन है अब जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ से कैंसिल कर दो सो so, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहां आपको मिलती है 100 परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है कोई कूपन नहीं खरीदना है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताओ ताकि वो भी हंड्रेड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहां वहां भटकने की कोई जरूरत ना हो सो आई सो सारी चीजें क्लियर है और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच